इस वीडियो में देखने वाला है स्टैटिक्स जी के टेस्ट सीरीज नंबर 17 को। तो अगर आप भी अगर एसएससी सीजीएल और एसएससी बीएसएससी की तैयारी करते हैं, सिविल कोड इत्यादि का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख करके जाए। इसमें कुल मिला करके डिस्कस करने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला की बात की जाए तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड किसे कहा जाता है? हॉलीवुड के नाम से जो है सो शेन वॉर्न को जाना जाता है। क्रिकेट के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को जाने जाते हैं, जबकि वसीम अकरम जो है पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैं। जैक कैली जो है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? तो मार्च माह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट डेट है, आप भी याद रखेंगे। 5 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है शुड बी जो है सो ये गलत है। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है सो 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व वानिकी दिवस जो है सो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो है सो मार्च महीना में विश्व पर्यावरण दिवस न मना करके 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है, किसका स्लोगन है? तो ये ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 2 सितंबर को जो है सो 2 सितंबर को मनाया जाता है जापान पर अमेरिका का विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जून को नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जानते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि उपनाम से भी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरुंधति राय की जो है कृति, इनके द्वारा लिखा गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये सही है। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये भी सही है। झुम्मा लाहिरी की कृति जो द नेम सेक है ये भी सही है, जबकि सनी डेज जो है सनी डेज ये सुनील गावस्कर की कृति है, आपको याद रखना है सुनील गावस्कर की कीर्ति है। मोहम्मद कैफ की बात की जाए तो ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वैज्ञानिक में कौन से ऐसे भौतिक के नोबेल पुरस्कार का विजेता सह विजेता रहे थे? बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार के सह विजेता रहे थे, तो विलियम हेनरी ब्रेग जो है सो ये पिता पुत्र दोनों एक साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया था। क्वेश्चन नंबर 8, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो यह दिल्ली है, जबकि घनत्व की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में तो दिल्ली ही ऊपर आता है। 11,000 से अधिक जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में दिल्ली में है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है, जबकि घनत्व की बात की जाए राज्य में तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाले प्रक्षेपात्र है? तो ये त्रिशूल नाम का प्रक्षेपात्र जो है सो जमीन से वायु में मार करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष यात्रियों को शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? एक प्रकार का खेल होता है उत्पन्न, इसी का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मतदाताओं को जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा की है? तो ये 15 जनवरी को किया गया है, 15 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही जो है सो भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 23 जनवरी की बात की जाए तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात की जाए तो बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बांकीपुर जो है वन्य जीव बिहार जो है सो तमिलनाडु में नहीं, ये कर्नाटक में स्थित है, जबकि मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल जो है ओडिशा में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तेरह 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील का हस्ताक्षर किया गया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन एक दूसरे के समर्थक देना पंचशील के सिद्धांतों में एक और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो उपरोक्त ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और चीन एक दूसरे के समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन सा राष्ट्र आते हैं। बेनेलक्स के अंतर्गत जो है सो वेनेजुएला, न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग जो आते हैं। बेनेलक्स का फुल फॉर्म में आ जाता है बीई से वेनेजुएला और एन ई से बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जो है सो बी ई से बेल्जियम और एन ई से नीदरलैंड, एल यू एक्स से लग्जमबर्ग। इसका जो है सो बेनेलक्स के अंतर्गत ये तीनों जो है देश आते हैं। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, जबकि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 5 सितंबर 1944 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो पाई दिवस जो है सो 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस गणितीय स्थित पाई का वार्षिक उत्सव है। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिनिधि सभा में पाई दिवस की मान्यता का समर्थन किया था, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व विरासत स्थल पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है। तो पशुपति मंदिर जो है सो काठमांडू नेपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। यह मंदिर हिंदू मंदिर है और नेपाल जो है सो हिंदू देश भी है। मुल्तान में भी सूर्य मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। असम की राजधानी जो है सो गुवाहाटी है। इसका प्रथम आयोजन 2017 में हुआ था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 19, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, तो इनका नाम क्या है। तो इनका नाम समीर अंजान है। इन्होंने अपने करियर 1983 में बेखबर से शुरू किया था। इन्होंने 15 सितंबर 2015 तक 3524 भिन्न गीतों की रचना की थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो है सो एप्पल के द्वारा, मैक ओएस एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो है सो एप्पल कंपनी द्वारा 1984 में विकसित किया गया था। मैक ओएस को एप्पल द्वारा 1984 में विकसित किया गया था, तो आपको इतना याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।